Hello student, yesterday we started to write our assessment, the lesson number 5 of English, the story of Sinbad the Sailor. We write all these meaning words in your notebook rightly and properly. Okay, now start next question. Write the few lines about द किंग ऑफ आइलैंड. किंग ऑफ आइलैंड कैसा था? जो किंग ऑफ आइलैंड जो था उस आइलैंड का, ही वॉज वेरी काइंड. इस फोटो में नहीं निकला वो काइंड की स्पेलिंग. एंड हेल्पिंग नेचर, वो बहुत ही काइंड था और नेचर से वो बहुत ही हेल्पिंग था. ओके, अवर थर्ड क्वेश्चन इज यूज़ द लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड एंड मेक द न्यू एंड मीनिंगफुल वर्ड्स. आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं इससे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. एक एग्जांपल के तौर पे ही उन्होंने यहाँ पे करके बताया है आइलैंड का, इज इन लैंड एंड सैंड एंड लीड. यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया है और इससे और भी वर्ड बनते हैं. सो यू राइट द अदर वर्ड्स मेंशन इन योर नोटबुक. फर्स्ट लेटर वर्ड इज द मर्च डिश. द मर्चेंट डिश का से तैयार होते जो स्पेलिंग मेड बाय द स्पेलिंग इज मार्च हैंड एंड डिश इज. इससे एज भी बनता एंड 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 हुक भी होता है. देन आफ्टर, इससे और भी स्पेलिंग बनते हैं तो आप उसको वो भी मेंशन कर सकते हो. ओके, देन आफ्टर स्टार बी इज इमीजिएटली. बी स्पेलिंग इज इमीजिएटली. टू वी मेक द स्पेलिंग इज एट मीट डेट डायट मेड. ओके, यू ऑल्सो राइट अदर स्पेलिंग. ईट भी होता है, ईट का पास्ट टेंस एट होता है जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. वी ऑल्सो राइट अदर स्पेलिंग. ओके गाइज, एट पॉसिबल मैक्सिमम स्पेलिंग वी मेक इट एंड यू राइट इन यूअर नोटबुक प्रॉपरली. ओके, सो थर्ड इज द एक्स हेजिटेट. सो वी मेक द स्पेलिंग अस यूज HAT had heat and hated. HEAT heat का मतलब होता है गर्म और HEAT hated का मतलब होता है, ये heat का past tense है hated. ओके, देन आफ्टर सी इज एक्स हेजिटेट. द अस यूज दैट हीट एंड हेटेड. डी नंबर इज वैल्यूएबल. वैल्यूएबल से कौन कौन सी स्पेलिंग हमने यहाँ पे बनाई? ऑल एबल वैल्यू बेल बी. ओके, यू ऑल्सो राइट अदर स्पेलिंग. ओके गाइज, देन आफ्टर जेनरियस. नेक्स्ट स्पेलिंग इज जेनरियस. टू बी प्रिपेयर द स्पेलिंग इज और अस ऑन नो भी बनता ग्रीन एंड जीन. ओके, अवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ. अवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज Who said to following to whom? मतलब किसने किससे कहा? Please accept this your majesty. Majesty, महाराज आप इसको accept कीजिए. This sentence told by the Sinbad to said of the king of Ireland. So you write here the Sinbad said to the king of the Ireland. Okay guys? Then after मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. नीचे दिए गए जो वर्ड्स है उससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं. फर्स्ट इज अ वैल्यूएबल. गोल्ड इज अ मोर वैल्यूएबल दैन सिल्वर. द गोल्ड इज अ मोर वैल्यूएबल दैन सिल्वर. गोल्ड जो है सिल्वर के कंपेरिजन में ज़्यादा वैल्यूएबल होता है. उसका मूल्य, उसकी प्राइस जो है कंपेयर टू सिल्वर इज मोर दैन. Then second word is generous. It was very generous of your parent to lead us all that money. आप जब भी आपके पेरेंट्स के पैसे खर्च करते हैं तो उस समय आपने generous मतलब बहुत केयरफुल रहना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट इज अ कैप्टन. राज इज द कैप्टन ऑफ द क्लास. राज इज द कैप्टन ऑफ द शिप. You also mention other sentence as you in your mind. Okay guys, next sentence is D, fantastic.
फाइव स्टार इज द सो फंडास्टिक, चॉकलेट चाहिए था आगे मेंशन हुआ, इसके आगे आप चॉकलेट की जगह बार भी लिखा, फंडास्टिक बार तो भी आपको चलता। एंड इस सी नंबर सॉरी सी क्वेश्चन नंबर सिक्स, ट्राई टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मर्चेंट शिप पोर्ट एंड हाउ टू कार्गो इज लोडेड और अनलोडेड फ्रॉम शिप टूडे, आज के इस वक्त में किस तरह से पोर्ट पे शिप में सामान लोड और अनलोड होता है, कार्गो किस तरह से वर्कआउट करता है, ये आपको खुद सर्च करना है भी, चाहे वो मोबाइल पे नेट पे सर्च कीजिए या विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड फोर और फाइव लाइंस राइट इन योर नोटबुक फॉर अबाउट दैट द टॉपिक। ओके स्टूडेंट, सो टुडे दिस इज अवर होमवर्क, यू राइट डाउन द नोटबुक, राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन प्रॉपरली इन योर नोटबुक एंड यू रीड फोर और फाइव टाइम्स। ओके स्टूडेंट।